20 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश को रीवा एयरपोर्ट की सौगात मिली। पीएम मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान ही एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। रीवा में उद्घाटन समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इससे पहले सीएम मोहन यादव ने इस बड़ी सौगात के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि नए एयरपोर्ट से विंध्य क्षेत्र और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के गठन के बाद से लगातार हम ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए उस सिलसिले में एक नया एयरपोर्ट की सौगात ये हमारे विंध्य के पूरे क्षेत्र को बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। खास करके फॉरेस्ट का, माइनिंग का, इंडस्ट्री का, कई कारणों से उसका अत्यंत हवाई यातायात की संभावना का क्षेत्र है। और हमने अपने बलबूते पर भी पीएम एयर एम्बुलेंस, पीएम वायु सेवा, ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं पहले प्रारंभ की थी, इनको और बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को इस बड़ी सौगात की बधाई। आपको बता दें 15 फरवरी 2023 को रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था। रीवा एयरपोर्ट में अब तक हेलीकॉप्टर और छोटे विमान ही उतारे जाते थे, लेकिन इसके विस्तार और उद्घाटन के बाद बड़े विमानों को भी उतारा जा सकता है। एयरपोर्ट ये जो है आरसीएस योजना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत शामिल था, और उसके अंतर्गत इस एयरपोर्ट को एक लाइसेंस एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया, और ये 3C IFR हम लोग बोलते हैं, ATR 72 के लिए विकसित किया गया है, उसके लिए लाइसेंस है, और लगातार इसमें से दिन रात नाइट लैंडिंग की फैसिलिटीज यहाँ पे है, और मध्य प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट होगा यहाँ पे। इसके पूरे फीचर्स यहाँ उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से इस विंध्यांचल को कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि किसी भी एयरपोर्ट चालू करने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, तभी वहाँ पर शेड्यूल ऑपरेशंस हो पाएंगे। और आज लाइसेंस मिल गया, आज लोकार्पित होने के पश्चात यहाँ पे लगातार कनेक्टिविटी आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। नवंबर माह में जो रेगुलर शेड्यूल फ्लाइट जिसको बोलते हैं, उसमें क्योंकि बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं रेगुलर फ्लाइट्स प्रारंभ करने, उसमें लाइसेंस से लेके अन्य नियामक चीज़ें रहती हैं, जैसे फ्यूलिंग स्टेशन, बाकी सब चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती है, ग्राउंड हैंडलिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो सभी की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। नवंबर माह से स्लॉट लोकेशन उसका अलॉट हो जाएगा, नवंबर माह से रीवा भोपाल रीवा प्रारंभ होगी।